दोस्तों, क्या आप मुझे देख रहे हैं? जैसा कि मेरे एक्सप्रेशंस, मेरी बातें, मेरी बोलचाल, जैसे कि मैं कैमरे के सामने में आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, ये तो हो गई एक ह्यूमन बींग की बात, यानी कि एक इंसान की बात जो कि एक कैमरे के साथ बातचीत कर रहा है, एक मैसेज प्रोवाइड कर रहा है आप लोगों को। बट यहाँ पे दोस्तों, मैं आपको अगर बोलूँ कि ये सब AI से जनरेटेड है, ये सारा कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है, जो कि आपको दिखाई दे रही है मेरी पिक्चर, वीडियो, जो मैं बात कर रहा हूँ वो सारा फेक है, जो कि AI से बना हुआ है। तो क्या आप इस चीज़ के ऊपर बिलीव करेंगे? बट दोस्तों, अभी की जो ये मेरी वीडियो आप देख रहे हैं, ये रियल है। हो सकता है आने वाले टाइम में सिनेमाज में मूवीज जो हैं वो AI जनरेटेड हों, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोज आपको मिले वो AI जनरेटेड वीडियोज हों। दोस्तों, लाइक और शेयर करते हुए आज की वीडियो आखिर तक देखते रहिए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सोरा AI की तरफ से, या इन जनरल AI वीडियोस के बारे में। हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान, आप देख रहे हैं टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को। तो चलते हैं टेक्नोलॉजीज की दुनिया में। सब्सक्राइब करें टेक्निकल उस्ताद यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे थे एक सिंपल एग्जांपल से कि आपकी एक गर्लफ्रेंड है, आप उससे कहीं पे मिले थे, वहाँ पे जो भी इंसिडेंट हुआ, जो आपने खाना खाया, जहाँ पे आप बैठे थे, जहाँ पे आप चले फिरे थे, जहाँ पे आपने बातें की थी, वो सारा कुछ आपने OpenAI यानी कि ChatGPT को दे दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। उसने क्या किया, उन चीज़ों को समझा, जाना, उसके बाद आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक लेटर बना के दे दिया, जो कि बहुत ही खूबसूरत लेटर है, जो कि 200 से 300 वर्ड्स के ऊपर कंप्लीटेड है। ये बात तो समझ में आती है। बट यहां पे अगर आप AI को कमांड दें कि मुझे जापान का एक शॉट चाहिए, एक लड़की स्ट्रीट में चल रही है जिसने रेड लिपस्टिक लगाई हुई है और नीचे पानी है और रिफ्लेक्शंस हैं, और दोस्तों हूबहू सेम एज आपको AI वो वीडियो बना के दे दे, जो पहले झलक में लगता ही नहीं है कि AI जनरेटेड है या कोई फेक वीडियो है, वो आपको वैसे ही नजर आएगी जैसे एक रियलिटी में उस जगह के ऊपर कोई लड़की रेड लिपस्टिक लगा के वॉक कर रही है। दोस्तों, ये जो चीज है ये आई है हमारे पास OpenAI की सोरा की तरफ से। दोस्तों, एग्जाम्पल्स ऐसी ऐसी कि जो आपकी क्रेजी माइंड की थिंकिंग है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, उसको भी पॉसिबल करके AI आपको प्रोवाइड कर रहा है। दोस्तों, मैं जब इस चीज के ऊपर सर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देखी कि जहां पे आपकी आंखें दंग रह जाएंगी कि कैलिफोर्निया हिस्टोरिकल में ओल्ड वर्जन में कैसा था, तो वो भी आपको एज इट इज। दोस्तों, अगर आप AI को बोलते हैं कि मुझे एक ऐसी प्लेस के ऊपर 2 पर्सन चाहिए जिन्होंने रेड कलर का हेलमेट पहना है, तो वो भी आपको एज इट इज वैसा ही नजर आएगा जैसा एक रियलिटी होती है। तो ये सारा कुछ जो है वो AI से जनरेटेड है, जो कि फेक है, बट रियलिटी इसकी रियलिटी ही है। दोस्तों, बहुत सारी जगह के ऊपर ChatGPT ने भी हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है, जिसमें आप बहुत सारे कोई टेक्स्ट जो है उसको ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं, अपने टाइम को सेव आउट कर सकते हैं। और दोस्तों, फ्यूचर में अगर सिनेमाज की हम बात करें तो सिनेमाज के लिए कोई भी एक्टर नहीं चाहिए, कोई भी लाइटिंग नहीं चाहिए, कोई भी प्लेस नहीं चाहिए, ऑटोमेटिकली हर चीज जो है वो क्रिएट की जा रही है, जो कि रियलिटी है। मतलब फ्यूचर में कोई भी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगी, कोई भी मार्केट रिक्वायर्ड नहीं होगी, कोई भी प्लेस रिक्वायर्ड नहीं होगी, हर चीज का खर्चा भी बचेगा और एक्यूरेसी के साथ काम भी होगा। और बहुत सारी जगह के ऊपर ये काम जो है वो हो भी रहा है, जो कि OpenAI की तरफ से बहुत ही क्रेजी अपडेट जो है वो आने वाली है, जिसके बाद हर चीज जो है वो बदल जाएगी और बहुत सारे लोग इसका फायदा अच्छे कामों के लिए भी उठाएंगे और बहुत सारे लोग जो इसका फायदा बुरे कामों के लिए भी उठाएंगे। तो अब देखते हैं, दुनिया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। अगली वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट वीडियोस डेली बेस के ऊपर देखने के लिए। अपना ख्याल रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।